विकास की वाइफ ने शिव पर लगाया कपड़े चोरी का आरोप तो भड़का ठाकरे का परिवार। अब सामने आकर कही ये बात। बीते हफ्ते बिग बॉस 16 से विकास मानकतला बाहर हुए, जो इस घर में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर नजर आ रहे थे। विकास के घर जाने के बाद उनकी पत्नी गुंजन ने बिग बॉस के कंटेस्टेंट शिव ठाकरे पर चोरी का आरोप लगाया था। जी हां, गुंजन ने एक ट्वीट कर दावा किया कि शिव ने विकास के कपड़े रख लिए हैं। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि शिव ठाकरे ने विकास के कुछ कपड़े और परफ्यूम छिपा दिए थे। वहीं अब गुंजन के इन आरोपों का जवाब शिव ठाकरे के परिवार ने एक पोस्ट के जरिए दिया है। जी हां, शिव ठाकरे की टीम ने एक बयान जारी किया है जो उनके परिवार की तरफ से दिया गया है। शिव ठाकरे के परिवार की तरफ से कहा गया है कि विकास और गुंजन ने शिव पर कुछ आपत्तिजनक आरोप लगाए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि शिव के पास एक या दो नहीं बल्कि 3 स्टाइलिस्टों की टीम है, जो उन्हें शो में समय समय पर कपड़े, जूते और जरूरत की बाकी चीजें भेज रहे हैं, ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। इसके आगे शिव के परिवार ने कहा कि विकास मानकतला की पत्नी गुंजन ने इस मामले पर किसी से राय लिए बिना ही आगे कदम उठा लिया। उन्होंने शिव के लिए ऐसी बातें कही जिससे उनके परिवार और फैंस की भावनाओं को ठेस पहुंची है। शिव ठाकरे के परिवार ने आखिर में मीडिया से भी रिक्वेस्ट की है कि वो इस मामले में किसी भी तरह से बढ़ा चढ़ा कर ना लिखें। साथ ही ये भी कहा गया है कि जब इस मामले की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी तब हम इस मामले में जवाब देंगे और कानून की मदद भी लेंगे। बता दें कि गुंजन के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था। शिव ठाकरे के फैंस ने इस मामले पर रिएक्शन देने शुरू कर दिए थे। हर किसी ने गुंजन को गलत बताते हुए उन्हें काफी स्लैम किया था। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि शिव को लेकर उठा ये मामला आगे क्या क्या मोड़ लेता है।